खाया ही नहीं जा रहा। इसका असली मजा है, ये है मजे का असली गेम ही सारी इसकी होती है बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोमिला जाई। होप आप सब ठीक होंगे। तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप लोग लाजमी बताएगा आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है, आप लोग कैसे इन्जॉय कर रहे हो। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय करेंगे, अपने रिलेटिव से घर गए होंगे, घूमने फिरने गए होंगे। तो हम लोग ने बोला हम लोग भी आज से जाते हैं घूमने फिरने के लिए। और ना हमारे यहाँ पर ना हमारे नज़दीक ही हमारे घर से थोड़ा सा दूर है मेला लगा हुआ, जो कि बहुत अच्छा। लेकिन आज ही जाएंगे, हम जाएंगे ईद के थर्ड डे, जो कि हम दोनों डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि आज क्राउड बहुत ज़्यादा होगा। आज हम लोग जा रहे हैं कुछ बाहर जाते हैं खाने पीने की कुछ जगह पे जाते हैं। तो आज दिल करे कुछ अच्छा सा स्पेशल खाने को। वैसे मैंने खाना बनाया हुआ है, आज मैंने बनाया था अचार गोश्त। और ये सो रहे थे, इनके सोए सोए मैंने सारे काम कर लिए, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोग ना लेट उठे थे, तो मतलब रात में लेट हम लोग जागते रहे अब्बू की वजह से ना। तो फिर ये इनको मैंने सोने दिया, मैंने उनके नाश्ता वगैरह बना लिया। तो मैंने नाश्ता कर भी लिया, मैं नाश्ता करके सो गई थी, फिर ये उठे थे। तो उठ के फिर अभी फ्रेश हुए हैं हम दोनों। और ये वाला मैंने ड्रेस पहने, ये मामू ने स्टिच की थी मेरी फ्रॉक, ठीक है। और दो और ड्रेस है, लेकिन वो टेलर ने सही स्टिच नहीं किए थे, तो वापस दिए उनको सेट होने के लिए, वही मैं पहनूंगी तो शेयर करूँगी। वैसे वो मैंने उन्हीं ड्रेस में से पहनना था, लेकिन मैंने बोला हाँ जी पहन लेते हो, लाइट बहुत तेज़ है, क्योंकि हम लोग ना टिकटॉक बना रहे थे। अब सही है, लाइट में तो बहुत ही मैं वाइट लग रही होंगी, बहुत लग रही होंगी। तो ये भी यहाँ पर रेडी हो गए, शूज पहननी है, ठीक है। आओ सबको ईद तो विश कर दो। हेलो एवरीबॉडी, मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और हम दोनों की तरफ से ईद मुबारक। चले अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। ला लगाओ जो मैं बता रही थी, तो मैंने बोला ईद के थर्ड डे चलेंगे, आज ना रश बहुत ज़्यादा होगा। और इतना अच्छा उन्होंने ना बनाया हुआ ना, ये हमें ऐसी लग रही थी, लेकिन लाइटिंग देखो कितनी प्यारी है। पहले फाइनली हम लोग पहुंच गए और हम लोग आए हैं हुसैनाबाद। तो बहुत लंबा सफ़र था, और क्या हुआ कि ना मुझे बहुत डर भी लगा रास्ते में, मैं घर जाके आपको सीन बताऊंगी। तो भी यहाँ पर ना बहुत ही फेमस मिलता है प्रॉन डॉग, जो कि इन्होंने रात में देखा तो मुझे नहीं पता, तो यही लेकर आए। और अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। और मैं सारा मेन्यू दिखाता हूँ आपको, उनका कैसे बनता है कैसे नहीं, सही है। इनके कुछ फ्लेवर जो कि इनके स्पेशल फ्लेवर है, इसमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं इनका है कि ये रनिंग आइटम है आपका। अच्छा अच्छा, आठ फ्लेवर होते हैं, लेकिन एक अभी इसलिए रखा हुआ है कि रनिंग आइटम यही है इनका सबसे ज़्यादा। हाँ रश की वजह से फिर ये भी हो सकता है, प्रॉब्लम होता है। और अभी इतना रश है, पीछे इतना रश है, हम बहुत मुश्किल से निकल गए हैं। तो कुछ इस तरह से ये क्या होता है, ये मैदा हमारा। अच्छा मैदा होता है, और ये चीज़ है, ये लग गया क्रम, ये चले गए अंदर। और अभी देखते हैं कितनी देर में बन जाएगा। तो अभी बन रहा है, ज़्यादा वो नहीं था कुछ, उन्होंने ज़्यादा आइटम नहीं रखे हुए, बोरा भी एक ही रखा हुआ है, वो नॉर्मल था। लेकिन ये पता क्या, इन्होंने बना के चीज़ें रेडी रखी हुई हैं पूरी चीज़ें, क्योंकि अभी ईद के सीज़न है ना, जो भी होगा हाफ फ्राई करके डन रख के ऐसे ही करेंगे। लेकिन उन्होंने खाली अभी ऐसे रखा है, तो क्रम नहीं लगाया उन्होंने, पता नहीं क्रम का क्या हुआ था कुछ। तो यहाँ पर ना हमारा हॉट डॉग आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, कितने का ये? 400 का। 400 का है, और वाकई 400 का इतना वजन है इसका। वजन है? हाँ देखो। हाँ और ये तो मुझे ऐसे लग रहा है आधा किलो का है कम से कम। चले ट्राई करें आप। इसमें चले जब ये ट्राई करती हैं, और आई थिंक ये चिप्स के वो लगे हुए हैं ना, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसी बाइट लेनी पड़ेगी वन बाय वन। उनके पास ना वो भी था फ्राइज, नहीं जो रोलर वाले होते हैं पीछे, कैसा टेस्ट, क्या हो गया, नहीं करवाओ अभी चीज़ ही चीज़ है खाली। हाँ बहुत यम्मी है ना, तो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हुसैनाबाद में इनकी ये शॉप है कॉर्न डॉग के नाम से, लाइक जिनको ये फेवरेट है, चीज लवर है। हाँ उनके लिए, जैसे कि मैं, मुझे बहुत पसंद है चीज उनके लिए, सही। हाँ खाओ ना। असली चीज अभी आई है, ये निकली है, इसका सारा मजा है। हाँ इसका लो बाइट गरम है, वो खाया ही नहीं जा रहा। इसका असली मजा है, ये है मजे का असली गेम ही सारी इसकी होती है बस। इससे वो तो हमने खा ली, जो यहाँ पर इनके मटका फ्राइज है ना, ये बहुत ही फेमस है लाइक। ये देखो
तो हमने यहाँ पर जो चीज़ फ्राइज है उनके स्पेशल वो मंगवाए हैं। अभी आते थोड़ी देर में पता लगता है। यहाँ पे अभी अभी स्ट्रीट खाली हुई, अभी तो इतना रश था, वो पीछे की साइड बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम की शॉप बहुत ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा आपको पता गर्मी है ठंडा मीठा खाते रहते हैं। ये हैं गुलाब जामुन, अभी मीठे का इतना मैं शौकीन नहीं, तो ये भी ट्राई करते हम लोग। मैं जब बोल रहा था कि ले दे तो फिर मैंने तो ट्राई भी नहीं देखी। कौन सी वाली? ये वाली जो कौन सी नहीं, इसमें फ्लेवर होते हैं चॉकलेट फ्लेवर में, फ्रेरो ट्राई करेंगे। चलाओ जरा, इधर आओ मैं बता दूँ। इसके अंदर जो है फ्रेरो इंक्लूड होती है, कॉर्नेटो होते हैं, न्यूटेला चॉकलेट होती है, वेनिला डार्क चॉकलेट की मिक्सिंग पे होती है। चलाओ जरा मैं देखता हूँ, दिखाएं जरा मुझे। ये हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था, आपके पास वो फील होगा जो इसका है ना, मुझे खाली इसका दिखाना है, इससे जो बनेगा। नहीं ये बहुत हैवी हो जाएगा। हमने अभी दो चीज़ें और मंगवाई हैं। हाँ 1% अभी करवानी, कुछ ऐसा इसमें मिनी नहीं होगा कुछ। नहीं नहीं ये इसमें कुछ मिनी चाहिए हमें। नहीं इसमें एक ही चाहिए। कौन सा होगा? कौन सा वाला? इसमें आए मटका फ्रेश जो कि हमने लेने नहीं थे, लेकिन ले लिए, फाइनल दे ही दिए। मैं तो कैंसिल करवा देता। हमने इधर पीछे है एक और जगह, वहाँ पर मुझे लग रहा था फ्लाइटें हैं अच्छी अच्छी, तो वहाँ जाना था, लेकिन मैंने बोला ऑर्डर रेडी हो गया बॉस, ये अब नहीं हो सकता कैंसिल। लेकिन हाँ अंदर सोसिस है वो रही, मेरे को ऐसे ही लग रहा है, मैं क्या फ्राइज 400 रुपये के फ्राइज दे दिए, फिर अंदर देखा तो अलग अलग सोसिस है तो अच्छे हैं। वो मुझे नासिर भाई की याद आ गई, बिल्कुल नीचे से लो वो सॉस आ रही है गार्लिक वाली, अच्छे हैं। बड़ा ऑर्डर कर लिया है, मुझे तो खाया भी नहीं जाना। मेरा देख के पेट भर गया, क्या हो गया? जब आएगा ना तब देखेंगे कौन खाता है कौन नहीं। मतलब इतना ज्यादा यार, कोई बात नहीं, सब आदमी लोगों को ट्राई करेंगे। अच्छा इसको भी ओवन में बेक करेंगे? हां ना, ऐसे कि बहुत मजे की चीज है, तो लाजमी आप लोगों ने मम्मी के चैनल पर देखनी है जाकर। तो हम लोग आज मैंने बोला जरूर जाकर ना कोई कोई चीज हम लोग ट्राई करते हैं, बताते हैं आप लोग कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहां पे बहुत सारी वैरायटी है, आपके और भी सारी है ना, घर पे। और रास्ते में ना हमारी बाइक जो हो गई थी थोड़ी सी खराब हो गई थी, मतलब करंट वगैरह पता नहीं क्या उसका होता है, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट ही, वरना हम लोग जल्दी घर पहुंच जाते। और देखो लिपस्टिक उतर गई, तो आज उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेस करते करते जमा होगी, फिर सबको बुलाया तो वो आती है, फिर मिल के ना खाएँगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद खाएँगे। तो अभी जो है ना मैं सोऊँगी, तब चाय वाय बनाऊंगी, इसके बाद सोऊंगी। तो अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बहुत सारी दुआ में याद रखना और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।